छत्तीसगढ़ में सभी 90 विधानसभा सीटों को कवर करने के बाद अब कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट यानी बूथ लेवल पर अभियान चला रही है। विधानसभा चुनाव की घड़ी करीब है, ऐसे में अब बूथ के जरिए जीत की इबारत लिखने की कवायद शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार। कांग्रेस के बूथ चलो अभियान से कैंपेन को रफ्तार। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अब अपने कैंपेन को रफ्तार दे दी है। चुनावी कैंपेन के अगले फेज में कांग्रेस अब माइक्रो मैनेजमेंट यानी बूथ लेवल पर पहुंच बढ़ा रही है। दरअसल सबसे पहले सीएम भूपेश ने पूरे छत्तीसगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम चलाया। इसके तहत सीएम सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में गए। भेंट मुलाकात के बाद संभागीय सम्मेलन हुआ। छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस बूथ चलो अभियान चला रही है। कांग्रेस के संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न होने के पश्चात कांग्रेस के द्वारा बूथ चलो अभियान चलाया जा रहा है। संभागवार ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज दुर्ग संभाग के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ चलो अभियान कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसमें प्रदेश के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, प्रभारी सचिव श्री चंदन यादव जी, श्री विजय जांगीर जी सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। दरअसल बूथ चलो अभियान के माध्यम से प्रत्येक बूथ तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बात कर उन्हें पिछले चुनाव की तरह ही पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। खड़गे जी की अध्यक्षता में, राहुल जी की उपस्थिति में जो बैठक हुई है, जिसमें हमारे खड़गे जी ने, राहुल जी ने हम लोगों को टिप्स दिए हैं आगामी चुनाव के लिए को लेकर, उसमें हम सबको साथ में चलना है और बूथ को मजबूत करना, हमारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। तो ये सब निर्देश उनके द्वारा दिए गए और नई ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश में हम सब एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। और जैसे पिछले समय हम लोगों ने 3/4 से अधिक बहुमत से सरकार बनाई, उसी प्रकार से फिर से वो हमारा पढ़ते हैं, रोज बूथ जा रहे हैं, बूथ जा रहे हैं। तो ये कुछ भी जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी फोटो का भी कहीं से मिल जाता है, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। नकल के लिए अकल चाहिए भाई। कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत बस्तर से की। इसके बाद दुर्ग संभाग की 20 विधानसभा सीटों पर अभियान चला। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भी इस अभियान में शामिल हैं। कांग्रेस के अभियान से पहले बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सभी 90 विधानसभा सीटों की बूथों तक विस्तार अभियान चलाने का मंत्र दे चुके हैं। बीजेपी भी बूथ मैनेजमेंट, बूथ सशक्तिकरण और बूथ विजय अभियान के सूत्र के साथ अपना कैंपेन चला रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा जिस तरह से मेरा बूथ सबसे मजबूत योजना के तहत बूथ स्तर पर समिति गठित करने के साथ ही पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति करके केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की नाकामियों को एक एक मतदाता तक पहुंचाने की जो रणनीति बनाई है, उसे देखते हुए जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 71 विधायकों के साथ मजबूत स्थिति में है, वह भी अब बूथ चलो अभियान के अंतर्गत जो है प्रदेश सरकार की योजनाओं को मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर पर समिति बनाने के साथ सेक्टर और जोन स्तर पर भी समिति का गठन किया है और इन समितियों में अब कल दिल्ली में हुई बैठक का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब मुश्किल से 5 महीने का वक्त रह गया है। समय कम और काम ज्यादा है, लिहाजा बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल बड़े अभियानों के साथ माइक्रो लेवल पर भी मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी के नेता अब बूथ की ओर कूच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से
बूथ चलो अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के माध्यम से 20 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। साथ ही आने वाले चुनाव के लिहाज से सबको एक साथ करने की कवायद की जा रही है। दूसरी तरफ अगले महीने से भारतीय जनता पार्टी भी कुछ इसी तरीके की बड़ी तैयारी में है। केंद्रीय नेताओं के चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सबके दौरे कार्यक्रम पहले से तय किए जा रहे हैं। आने वाले चुनाव के लिहाज से राजनीतिक दल पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अब देखना होगा कि इन तैयारियों का विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।